हाय गाइस, हाउ आर यू? सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक और उसका नाम है लेजर। दोस्तों, लेजर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जर्नल एंट्री जो हम अब तक सारा काम कर चुके हैं, जर्नल एंट्री मान लिया जाए आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाती है, राइट? फॉर एग्जांपल, कुछ ये जर्नल एंट्रीज हैं आपके सामने: कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज डेबिट टू कैश, कैश डेबिट टू सेल्स, वेजेस डेबिट टू कैश। ये इस तरह की एंट्रीज हैं आपकी। फिर कुछ और एंट्रीज, चलता रहा बिजनेस, और भाई साहब आपने पूरे जनवरी में बहुत सारी जर्नल एंट्रीज पास कर दी क्योंकि ट्रांजैक्शंस बहुत सारी थी, ठीक है जी। अब कोई आपसे पूछे, भाई साहब आपने ट्रांजैक्शन तो बहुत सारी कर ली, अब जरा ये बता दो कि आपके पास 31 जनवरी 2020 को, जनवरी का महीना चल रहा है 2020, तो 31 जनवरी इस महीने के अंत में कैश कितना है ये बता दो जरा। व्हाट इज द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ कैश अवेलेबल ऑन 31st January 2020? आपने देखा, अरे ये तो निकाला जा सकता है। देखो जी, कैश की सारी एंट्रीज चेक कर लेते हैं। ये देखो, ये भी कैश है, ये भी कैश है, ये भी कैश है, ये भी कैश है, कैश है, कैश है। अरे वो बात तो ठीक है भाई, लेकिन ये तो बता दो, ये तुम क्या एक एक एंट्री देखते रहोगे? और अगर पूरा साल हमने ये सारा काम कर लिया और आपसे कहा गया कि पूरे साल के अंत में कैश कितना है आपके पास वो बताओ, तब तो ये सर्कल ही लगाते रह जाओगे। बात तो ठीक है भाई साहब कि हमने हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड तो कर लिया जर्नल में, लेकिन अगर पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर अकाउंट का इस पर्टिकुलर डेट के दिन भैया बैलेंस कितना है ये बता दो, बैलेंस ऑफ कैश एज ऑन दिस डेट, विल यू बी एबल टू टेल विद द हेल्प ऑफ दिस जर्नल? जर्नल से बनाना तो पड़ेगा, ढूंढ ढूंढ के प्लस माइनस करना पड़ेगा, लेकिन क्या इमीडिएटली देखकर बता सकते हो? नहीं, क्योंकि हमने अकाउंट्स को जर्नल एंट्रीज में अलग अलग तरीके से लिखते रहे, जिस दिन वो ट्रांजैक्शन हुई एंट्री डाल दी। लेकिन कैश को ही ले ले तो न जाने कितनी एंट्रीज थी, डेबिट की भी थी और क्रेडिट की भी थी भाई, तो बैलेंस तो उससे नहीं पता लगाया जा सकता। दूसरा क्वेश्चन, अगर कोई पूछ ले जी पूरे जनवरी के महीने में, जनवरी 2020 के महीने में ये बता दो कि परचेज का टोटल अमाउंट कितना था आपका, अब फिर आप कहोगे हां जी हां अभी जरा कैलकुलेट करके बता देते हैं, आप फिर अपना ये जर्नल खोल लोगे और कहोगे एक परचेज की एंट्री ये रही जी, दूसरी परचेज की एंट्री ये रही, फिर ढूंढने लग जाओगे तीसरी परचेज की एंट्री ये रही, तो ऐड करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना, लेकिन इमीडिएटली आप नहीं बता पाओगे। द सेम वे सेल्स अगर पूछा जाए उसका टोटल अमाउंट, तो भी यही मुश्किल आएगी, और इसके अलावा और कई अकाउंट, जो भी अकाउंट पूछ लिया जाए दिक्कत तो यही आने वाली है। इसका मतलब यह हुआ कि हमने जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड तो कर लिया दिन ब दिन के हिसाब से, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट वाइज रिकॉर्डिंग तो हो गई, लेकिन अगर यह पूछा जाए कि एक पर्टिकुलर अकाउंट उसका बैलेंस कितना है इस पर्टिकुलर डे, इस पर्टिकुलर डेट पर, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इसका इलाज यह निकाला जाए कि भैया कैश की इतनी सारी एंट्रीज थी, क्यों ना जितनी भी ये कैश के जैसे सर्कल लगाए हुए आपको नजर आ रहे हैं, अगर ये सारी की सारी कैश की जो भी ट्रांजैक्शंस हमें यहां नजर आ रही हैं, अगर इन सबको इकट्ठा एक जगह लिख लिया जाए, डेबिट वाले हिस्से डेबिट में और क्रेडिट वाले क्रेडिट में, याद करो वो टी शेप अकाउंट, टी शेप अकाउंट हमने बनाए थे, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट, वो क्या था? वो एक अकाउंट था जिसमें सारी कैश से जुड़ी ट्रांजैक्शन आ गई। मशीनरी अकाउंट है तो सारी मशीनरी से जुड़ी ट्रांजैक्शन आ गई, फर्नीचर अकाउंट है तो सारी फर्नीचर से जुड़ी हुई ट्रांजैक्शन आ गई, और अंत में हम बैलेंस निकाल पाते थे। आपको याद होगा कि भाई डेबिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट में जो बैलेंस बचा वो डेबिट बैलेंस होगा, या क्रेडिट साइड ज्यादा है तो डेबिट में बैलेंस बचा तो भैया वो
क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो डेबिट साइड के अंदर जो बैलेंस लिखते थे वो क्रेडिट बैलेंस है। तो क्यों ना वैसे अकाउंट बना लिए जाएं, यानी हम सारे के सारे अकाउंट को अब क्लासिफाई करना चाहते हैं। क्लासिफिकेशन कर लिया, मान लो एक पेज कैश अकाउंट को दे दिया, दूसरा पेज मशीनरी अकाउंट को, तीसरा परचेज को, चौथा सेल को। एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक पेज डेडिकेटेडली मैंने किसको दे दिया, एक पर्टिकुलर अकाउंट को। तो जरा सोचो, सारी कैश की ट्रांजैक्शन वहां पर नजर आ रही है, मशीनरी में जाना है तो मशीनरी में नजर आ रही है, फर्नीचर की ट्रांजैक्शन फर्नीचर में नजर आ रही है, कितना जल्दी हम उसका बैलेंस देख पाएंगे, तो बोलो हाँ या ना। तो इसका इलाज यही है कि हम क्या करें, हम करेंगे क्लासिफिकेशन। क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन। अकाउंट को आइडेंटिफाई करो कि भैया अकाउंट कौन सा है। मान लिया जाए जी कैश अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट अलग है, मशीनरी अकाउंट अलग है, ठीक है जी, परचेज अकाउंट अलग है, लाइक वही सेल्स अकाउंट अलग। तो इसका एक सेपरेट अकाउंट बन गया जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन है। मान लो ये पेज डेडिकेटेडली सिर्फ कैश की बातें करता है, बड़ा आसान हो गया। तो इस तरह के जो मल्टीपल अकाउंट्स बन जाएंगे, जैसे फर्नीचर का जब अकाउंट बनेगा उसी तरह से मशीनरी का अकाउंट, परचेज का अकाउंट, ये अल्टीमेटली हमारे लिए क्या करेंगे, क्लासिफाई कर देंगे हर एक जर्नल एंट्री को और बैलेंसेस को देखना आसान हो जाएगा। यही काम होता है दोस्तों लेजर का, इसीलिए इसे प्रिंसिपल बुक कहा जाता है। प्रिंसिपल बुक क्यों? क्योंकि भैया जो फाइनल एंट्री है ना वो इसी में चली जाती है। जर्नल एंट्री से होने के बाद फाइनल एंट्री इसमें लेजर में पहुंच गई, तो इसीलिए इसको प्रिंसिपल बुक भी कहा जाता है या बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहा जाता है। ऑल एंट्रीज विच आर रिकॉर्डेड इन जर्नल या सब्सिडरी बुक्स दे आर क्लासिफाइड एंड पोस्टेड इन लेजर। क्लासिफिकेशन कर दिया। ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर अकाउंट, जैसे कि मैंने बताया कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, पर्टिकुलर अकाउंट से जुड़ी हुई सारी ट्रांजैक्शन, ऑल ट्रांजैक्शंस आर कलेक्टेड एट वन प्लेस, एक ही प्लेस पर आप उन्हें ले आए और सबको जिस जगह पर लिखा वो है एक लेजर। क्या बात समझ में आई? तो लेजर अब बनाना कैसे है भाई, उसके लिए हमें सीखनी पड़ेगी लेजर पोस्टिंग, और वो मैं आपको पार्ट्स में सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो पार्ट वन आपके सामने हाजिर है दोस्तों। सबसे पहले पार्ट वन से शुरुआत की जाएगी और बहुत ही सिंपल, सबसे पहले हम टी शेप अकाउंट के हेल्प से लेजर पोस्टिंग को सीखेंगे। पहले टी शेप अकाउंट, फुल प्रोफॉर्मा अभी नहीं आएगा, पहले आएगा टी शेप अकाउंट। तो पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं, आइए चले एक एक जर्नल एंट्री करके उसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे टी शेप अकाउंट में, और आप देखेंगे थोड़ी देर बाद ही आपके लिए बच्चों का खेल हो गया। जी हां, आइए चले स्टार्ट करते हैं। सर बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 2 लाख। अब स्टार्ट किया बिजनेस तो भैया जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट कितना रुपए, 2 लाख रुपए टू कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल अकाउंट, अब मुझे करना क्या है, मुझे इसे लेजर में रिकॉर्ड करना है, ट्रांसफर करना है। रिकॉर्ड तो हो गया यहां पर जर्नल में, मुझे अब इसे क्लासिफिकेशन करके लेकर जाना है लेजर में। अब इस पर्टिकुलर जर्नल एंट्री में कितने अकाउंट है, सवाल ये है मेरा, 2 अकाउंट, एक हो गया दोस्तों कैश अकाउंट और दूसरा हो गया कैपिटल अकाउंट। तो पहला अकाउंट और दूसरा अकाउंट, यानी इस जर्नल एंट्री में सबसे पहले मेरे सामने कैश अकाउंट आया तो मेरा काम क्या है कि लेजर में जाकर के एक कैश अकाउंट खोल दो। कैश अकाउंट ओपन कर दिया, डेबिट क्रेडिट। दूसरा अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट, चलिए ठीक है
हमने कैपिटल अकाउंट भी ओपन कर दिया, बिल्कुल टी शेप अकाउंट, याद है कि नहीं, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। अब मुझे इसकी पोस्टिंग करनी है। कैश को मैंने क्या किया है, ध्यान दीजिए, कैश को क्या किया है, कैश को किया है मैंने डेबिट। इसका मतलब कैश की डेबिट में जाएंगे हम, और सवाल यह आता है कि कितने रुपए से कैश को डेबिट किया। कैश को डेबिट कर दिया मैंने 2,00,000 रुपए से, लेकिन क्यों किया, वो जो रीजन है वो तो उसकी ऑपोजिट साइड में लिखा है, कैश डेबिट में लिखा है, तो भैया दूसरा जो क्रेडिट है वही तो उसका रीजन है। कि कैश के डेबिट होने का रीजन क्या है भैया, कैपिटल रीजन है, ठीक है, क्योंकि कैपिटल बढ़ी, तो उसे हम लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट, रीजन लिख दिया यहां पर। आपको याद होगा जब मैंने आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट करवाए थे उसमें टी शेप अकाउंट में बिल्कुल इसी तरह सिखाया गया था। अब कैपिटल को क्या किया, दूसरा अकाउंट भी तो है, कैपिटल को किया है मैंने क्रेडिट, तो इसका मतलब मैं जाऊंगा कहां, कैपिटल के क्रेडिट में। कैपिटल के क्रेडिट में जाके मैंने लिख दिया, देखो जी कैपिटल कितने से क्रेडिट हुई, 2,00,000 रुपए से। कैपिटल के क्रेडिट में जाकर के मैंने 2,00,000 रुपए लिख दिए, लेकिन ये क्यों क्रेडिट हुई, सवाल ये है, क्योंकि भैया कैश आया था बिजनेस में, कैश जो है वो रीजन था, तो वो रीजन जो मैंने लिखना है वो लिख दिया बाय कैश अकाउंट। तो डेबिट्स में टू लिखा जाएगा और जो क्रेडिट होंगे वहां लिखा जाएगा बाय। समझ में आई बात ये? सबसे पहला स्टेप क्या था कि जर्नल एंट्री देखो उसमें कितने अकाउंट है, जो जो अकाउंट चाहिए वो मैंने अकाउंट बना लिए, कैश अकाउंट भी और कैपिटल अकाउंट भी। अब जर्नल एंट्री को देखा तो भाई कैश अकाउंट डेबिट है, तो मैंने देखा डेबिट कितने से, भाई 2,00,000 रुपए से, 2,00,000 रुपए का अमाउंट मैंने यहां लिख डाला, और वो क्यों डेबिट हुई उसका रीजन उसकी ऑपोजिट साइड में लिखा है यहां पर टू कैपिटल अकाउंट, वो रीजन लिख डाला। उसी तरह से कैपिटल हुई क्रेडिट कितने से, 2,00,000 से, तो मैंने उसे 2,00,000 को यहां क्रेडिट कर दिया। अब कैश अकाउंट जो डेबिट हुआ है वो तो रीजन है कैपिटल के क्रेडिट होने का, उसे मैंने यहां लिख दिया, एज सिंपल एज दिस। उसी तरह से गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, 5,000 की गुड्स मैंने परचेज की, तो भैया जरा सोचो क्या जर्नल एंट्री आनी चाहिए, जर्नल एंट्री आएगी परचेज अकाउंट डेबिट 5,000 रुपए से टू कैश अकाउंट। अब मान लो यही एंट्री, और कोई एंट्री है ही नहीं, 5,000 आ गया। अब सबसे पहले मैं क्या देखूंगा जी, मेरी जर्नल एंट्री में कितने अकाउंट हैं, अकाउंट नंबर 1 परचेज अकाउंट, अकाउंट नंबर 2 कैश अकाउंट, ठीक है, तो पहला अकाउंट कौन सा बनाऊंगा मैं बनाऊंगा परचेज अकाउंट। अच्छा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का पिछली एंट्री से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, हम केवल क्या सीख रहे हैं कि किस तरह से लेजर में पोस्टिंग की जाए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। और दूसरा अकाउंट कौन सा मेरे भाई, कैश अकाउंट। तो बताओ मैंने डेबिट किसे किया, परचेज को, परचेज को कितने से डेबिट किया, 5,000 रुपए से। क्यों डेबिट हुई, वो इस कैश के कारण हुई, तो उसका जो रीजन है कैश, उसे लिख दिया टू कैश अकाउंट। अब दूसरा अकाउंट मेरा क्या है, कैश अकाउंट जो कि क्रेडिट हुआ है, तो मैं कैश की क्रेडिट साइड में जाके क्या लिख दूंगा, 5,000 रुपए, और यहां लिख दिया जाएगा बाय परचेज अकाउंट, क्योंकि अगर कैश क्रेडिट हुआ तो उसका रीजन उसकी ऑपोजिट साइड में लिखा है, अगर ये कैश क्रेडिट में है तो डेबिट में जो लिखा हुआ है वही इसका रीजन है और वही लिखना है हमने, क्यों ये हुआ क्रेडिट, उसका कारण जो है ये था कि हमने इतने रुपए की परचेज कर ली थी, गुड्स परचेज की, इसीलिए ऐसा हुआ। तो अब जो मैंने आपको करवा दिया है हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही, क्वेश्चन नंबर 3, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, थोड़ा सा अब मैं तेज करना चाहूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बोलो क्या ये सिंपल है या नहीं। अमाउंट है 8,000, अकाउंट कितने मेरे पास यह बनाने के लिए, देख लो 2 अकाउंट है इस क्वेश्चन में, मेरे पास 2 अकाउंट है, पहला है कैश अकाउंट, दिस इज कैश अकाउंट, दूसरा है सेल्स अकाउंट,
अब कैश को किया डेबिट कितने से, 8000 से, डेबिट में अमाउंट लिख दिया, क्यों हुआ वो डेबिट, टू सेल्स, तो टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स हुई क्रेडिट 8000 से, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में जाकर के मैंने 8000 लिख दिया। रीजन क्या है, कैश आया है ना भैया, सामान बेचा तो कैश आया, वो रीजन मैंने ऑपोजिट साइड वाला यहां लिख दिया, बहुत ही सिंपल। वेजेस पेड इन कैश, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आप कहोगे जी सर समझ में आ गया, आगे ऐसे क्यों करवाते जा रहे हो, बस देखते जाओ। दो अकाउंट, वेजेस आर कैश अकाउंट। अब वेजेस को मैंने क्या किया दोस्तों, डेबिट 500 रुपए से, तो वेजेस की डेबिट साइड में जाकर के 500 रुपए लिख दिया, और रीजन क्या है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। प्रैक्टिस करो दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें हैं, प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है आपको, राइट, प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा ये। अब कैश को कर दिया क्रेडिट, तो मैं कैश के क्रेडिट में जाकर के क्या लिखूंगा, बाय वेजेस अकाउंट कितने रुपए, 500 रुपए। अब कमीशन रिसीव्ड इन कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, 500 रुपए, तो कितने अकाउंट है, कैश और दूसरा कमीशन, तो ये बन गया कैश अकाउंट, दूसरा कौन सा बन गया, कमीशन अकाउंट। कैश को 500 रुपए से मैंने डेबिट किया है, तो कैश की डेबिट साइड में जाकर के मैं लिख दूंगा टू कमीशन अकाउंट, और कमीशन को कर दिया है क्रेडिट, तो कमीशन अकाउंट के क्रेडिट में जाके कितने रुपए से, 500 रुपए से लिख दिया मैंने बाय कैश अकाउंट, वेरी सिंपल। उसी तरह से गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, उधार पर खरीदी, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, बोलो हाँ या ना, कितने अकाउंट है इसमें, दो, परचेज और क्रेडिटर अकाउंट, तो परचेज अकाउंट, दूसरा अकाउंट कौन सा बना, क्रेडिटर अकाउंट। परचेज की है डेबिट, तो मैं परचेज की अब कहां चला जाऊं भैया, डेबिट साइड में चला जाता हूं। डेबिट कितने रुपए से किया है, 10,000 रुपए से किया है। अब उसकी ऑपोजिट साइड में क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। ये क्यों डेबिट हुआ भाई, क्योंकि हमें उधार पर माल मिला था, उसका रीजन हमने लिखा हुआ है, तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट लिख डाला। अब क्रेडिटर के अकाउंट में भी तो एंट्री करनी पड़ेगी, कहां जाएंगे हम, क्रेडिटर को कर दिया मैंने क्रेडिट, तो उसकी क्रेडिट साइड में जाकर के 10,000 रुपए से इसको क्रेडिट किया बाय परचेजेस अकाउंट, वेरी 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 सिंपल। अब गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट की जनरल एंट्री क्या होती है दोस्तों, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जनरल एंट्री हम सीख चुके हैं अच्छी तरह से। कितने अकाउंट बने इसमें, एक बना डेटर का अकाउंट, दूसरा कौन सा बना दोस्तों, सेल्स का अकाउंट। अब डेटर को कर दिया मैंने डेबिट 20,000 रुपए से, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और बाय डेटर्स अकाउंट। सेल्स को तो मैंने क्रेडिट किया है दोस्तों, देखो 20,000 से, लेकिन ये क्यों क्रेडिट हुई, वो उसकी ऑपोजिट साइड में रीजन लिखा हुआ है डेटर्स के कारण। चलिए गुड्स परचेज फ्रॉम ओम, 10,000 की गुड्स परचेज की। अब यहां पर देखो उधार पर नहीं लिखा, कैश पर भी नहीं लिखा, तो प्रिज्यूम किया जाएगा कि ओम हमारा क्रेडिटर है, इसीलिए ओम का नाम लिख दिया यहां पर। तो एक अकाउंट है परचेज का, दूसरा है ओम्स अकाउंट। नाम के आगे अगर मैं ना भी लिखूं अकाउंट तो भी चलेगा, खाली ओम लिख देता तो भी चलता। परचेज अकाउंट को मैंने किया डेबिट कितने रुपए से मेरे भाई, 15,000 से, सो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ओम। ओम्स अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे भी चल जाएगा। ओम को किया मैंने क्रेडिट कितने रुपए से, 15,000 से, और ये क्रेडिट क्यों हुआ, उसका रीजन क्या है, ऑपोजिट साइड में लिखा है विच इज परचेज, सो बाय परचेजेस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 9, गुड्स सोल्ड टू शिवा। अब आपको ये जो चीज रिपीटेटिव लग रही है ना, थोड़े समय बाद यही हेल्प करेगी। जी हां,
थोड़े समय बाद आप कहोगे इसी के कारण हमें समझ में आया सब कुछ। जी हां, सो ये है शिवा और ये है सेल्स, दो अकाउंट है हमारे सामने। शिवा को किया है डेबिट, तो शिवा डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना 20,000। सेल्स को किया मैंने क्रेडिट, तो उसके क्रेडिट में जाकर के लिख दिया बाय शिवा, अमाउंट कितना 20,000। अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ये सारी एंट्रीज क्यों करा रहा हूं दोस्तों, ताकि आपकी जनरल एंट्री भी रिवाइज हो जाए और आपका लेजर भी रिवाइज हो जाए, ठीक है कि नहीं। काम तो अभी बहुत है, ध्यान रखिए अकाउंट्स में तो आपको न जाने अभी कितनी प्रैक्टिस करनी है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा मत सोचिएगा कि अरे ये तो लेजर बड़ा आसान है भाई, यहां तो डेबिट लिखो क्रेडिट लिखो काम खत्म। नो, अनलेस और अंटिल आप ज्यादा से ज्यादा लेजर बनाएंगे आपकी उतनी प्रैक्टिस ही नहीं होगी। एग्जाम में प्रॉब्लम क्या आती है लोगों की, कि वो प्रोफॉर्मा ही नहीं बना पाते और एक ही क्वेश्चन करने के चक्कर में पूरा का पूरा टाइम निकल जाता है। इसीलिए वो तभी कर पाओगे आप अपने एग्जाम में अगर आपकी लेजर के अकाउंट्स बनाने की स्पीड बहुत तेज होगी, उसकी पोस्टिंग करने की स्पीड बहुत तेज होगी और वो प्रैक्टिस सही आएगी। सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दो अकाउंट है मेरे सामने, एक है ड्रॉइंग्स अकाउंट दूसरा है कैश अकाउंट। ड्रॉइंग्स को किया है डेबिट, तो ड्रॉइंग के डेबिट में जा रहा हूं मैं और उसका रीजन लिख रहा हूं यहां पर टू कैश अकाउंट। कितने रुपए से डेबिट किया था मैंने ड्रॉइंग को, 10,000 रुपए से। अब कैश को मैंने किया क्रेडिट, तो मैं कैश के क्रेडिट में जाके कितने से क्रेडिट किया कैश को मैंने, 10,000 रुपए से। उसका रीजन क्या है, ड्रॉइंग्स, सो बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, ठीक है जी। यहां तक आपका काम हो गया खत्म। अभी तक मैंने क्या किया, अभी तो मैंने टी शेप में आपको पोस्टिंग सिखाई थी, लेकिन अब जब पूरा प्रोफॉर्मा बनेगा लेजर का भाई तो क्या आएगा। अब जरा ध्यान से देखो हमने क्या क्या लिखा था, केवल दो दो चीजें, डेबिट क्रेडिट तो लिखा ही था, साथ में एक हिस्सा था पर्टिकुलर अमाउंट्स का लेफ्ट हैंड साइड, एक था पर्टिकुलर और अमाउंट का हिस्सा क्रेडिट साइड में विच इज राइट हैंड साइड। तो अब अगर मैं बात करूं प्रॉपर प्रोफॉर्मा की, तो वो लेजर का प्रॉपर प्रोफॉर्मा क्या होगा, आइए देखें। प्रॉपर प्रोफॉर्मा में एक्चुअली आपकी यहां पर डेट के साथ साथ एलएफ कॉलम भी ऐड हो जाता है। अब ये एलएफ कॉलम इसमें बनाया नहीं हुआ, राइट, एलएफ कॉलम थोड़ी सी जगह कम होने के कारण नहीं बनाया गया, तो मैं फिलहाल तो आपको बना के दिखा रहा हूं, लेकिन आने वाले जितने भी होंगे आप प्रिज्यूम कर लीजिएगा कि एलएफ कॉलम है, लेजर फोलियो कहलाता है ये। क्या कहलाता है, लेजर फोलियो। अब लेजर फोलियो क्या चीज है, ये वो पेज नंबर को शो करता है और ये कनेक्ट करता है कि जर्नल जब आपने बनाया तो उसमें लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, वहां पर भी लेजर फोलियो बनता है। वहां पर लिख दिया मान लो 3 नंबर और 5 नंबर, यानी 3 नंबर पेज पे कैश अकाउंट है और 5 नंबर पेज पे कैपिटल अकाउंट है, तो वो पेज नंबर कनेक्ट करा देता है, इसे बोलते हैं लेजर फोलियो। तो फिलहाल के लिए इधर आएगा डेबिट क्रेडिट, कौन से हमारे इसमें बढ़ गए हैं कॉलम्स, एक तो दोस्तों डेट का कॉलम बढ़ गया आपका दोनों तरफ का, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ये तो पहले भी था, बढ़ा क्या डेट का कॉलम, एलएफ का कॉलम लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, डेट का कॉलम एलएफ का कॉलम, ये बढ़ गए। आपके एग्जाम में एलएफ सिर्फ बनाकर लिख देना, लेजर फोलियो बना देना, कुछ लिखने की उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। आपको केवल डेट पर्टिकुलर और अमाउंट इस पर ध्यान रखना और ये लिखना है। तो मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश 50,000, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट
अकाउंट कौन से बन गए? मशीनरी अकाउंट और कैश अकाउंट। अच्छा, इसमें डेट तो दी नहीं हुई। मान लो कि ये जो 11 है ना, यही डेट है, तो मैं यहां डेट लिख दूंगा। मशीन अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट? 50,000। मैंने अमाउंट में लिख दिया 50,000। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 11 तारीख डाल दी है। कैश को मैंने किया है क्रेडिट, तो मैं कैश की क्रेडिट साइड में जाकर के लिखूंगा क्या? 50,000 रुपए, क्योंकि कैश को 50,000 से क्रेडिट किया। और किसके कारण से हुआ? डेट डाल दो 11 तारीख। बाय मशीनरी अकाउंट, राइट। ये हमारा हो गया लेजर पोस्टिंग का तरीका। अब थोड़ी बहुत जर्नल एंट्री इसमें भी कर लीजिए। जर्नल एंट्री रिवाइज करिए साथ साथ, ये मत सोचिए कि खाली हम लेजर कर रहे हैं, जर्नल एंट्री की रिवीजन भी चल रही है आपकी इसमें। बहुत फोकस करिए अच्छी तरह से। इस टाइम आपको सिर्फ ये नहीं सोचना कि आप अब सिर्फ और सिर्फ लेजर कर रहे हो। अभी तो लेजर भी पूरा नहीं कराया, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री स्टेप वाइज कराऊंगा। इसमें आपकी जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस साथ साथ कर लो। मशीनरी अकाउंट डेबिट, सॉरी, मशीनरी सोल्ड फॉर कैश 10,000 रुपीज। मैंने मशीन बेच दी, कैश आ गया, मशीन चली गई, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन। ये हो गई मेरी जर्नल एंट्री। कितने हैं मेरे दोस्तों इसमें हमारे अकाउंट? दो। सर जी, दो ही दो अकाउंट आते जा रहे हैं, क्या कभी तीन अकाउंट भी आएंगे एक जर्नल एंट्री में? बिल्कुल आए थे, डिस्काउंट वाली एंट्रीज में आए थे। क्या सर हम उसकी भी लेजर में पोस्टिंग सीखेंगे? बिल्कुल सीखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। लेकिन उससे पहले इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, कैश को करना है डेबिट 10,000 से, तो मैंने लिख दिया डेबिट। ये 12 क्वेश्चन नंबर 12 डेट मान लो। किसके कारण से? कैश बढ़ा, डेबिट हुआ, मशीनरी के कारण। तो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, मशीन को कर दिया है क्रेडिट, तो मशीन के क्रेडिट में जाके क्या लिखूं मैं? बाय कैश अकाउंट, क्योंकि रीजन तो ऑपोजिट साइड में ही लिखा होता है। इज दैट सो और नॉट? हो गया जी। अब आती है बात आगे, फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम रामा एंड सन्स, नाम लिखा है बस, यानी उधार पर परचेज किया होगा। कैश तो लिखा नहीं, नाम लिखा, इसका मतलब उधार पर परचेज है। फर्नीचर आया है, फर्नीचर एक एसेट है, बढ़ रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रामा एंड सन्स। रामा एंड सन्स की तरफ लायबिलिटी बढ़ रही है, तो इसीलिए उसे हमने क्रेडिट कर दिया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रामा एंड सन्स। कितने अकाउंट बन रहे हैं दोस्तों इसमें हमारे? एक तो फर्नीचर अकाउंट, दूसरा रामा एंड सन्स, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। फर्नीचर को कर दिया डेबिट कितने से? 10,000 से, लिख दिया मैंने 10,000 भैया। अब मैं क्या करूं? 13 तारीख की एंट्री है ये, क्या लिखेंगे यहां पर? ऑपोजिट में रीजन लिखा है भैया, टू रामा एंड सन्स। अब रामा एंड सन्स को क्या किया? क्रेडिट किया 10,000 से, तो उसके क्रेडिट में जाओ, 10,000 रुपए लिखो 13 तारीख, और लिख देंगे बाय फर्नीचर अकाउंट। ऑपोजिट में उसका रीजन लिखा है, वो उठा के लिख दिया यहां पर। अच्छा, डेट खाली ऐसे नहीं 13 लिख दी, हमें पूरी डेट लिखनी पड़ेगी। कैसे? मान लीजिए कि अगला जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसकी डेट है 2020 जनवरी 14, तो बिल्कुल इसी तरह से लिखी जाएगी यहां पर भी। सबसे पहले तो डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, दो अकाउंट है, बैंक और कैश, तो चलिए लिख दिया जाए बैंक अकाउंट
और कैश अकाउंट। जर्नल एंट्री क्या है ये भी देख लिया जाए, ओपनड अ बैंक अकाउंट विद 20,000, यानी बैंक में पैसा जमा कराया होगा तभी तो अकाउंट ओपन किया, बैंक में पैसा बढ़ गया तो डेबिट कर दिया, कैश घट गया तो क्रेडिट कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब बैंक को किया है डेबिट तो उसकी डेबिट साइड में जाके लिखूंगा क्या 2020 जनवरी 14, कितने से डेबिट कर दिया 20,000 रुपए से, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कैश को क्या किया दोस्तों, क्रेडिट, तो कैश के क्रेडिट में जाकर के लिख दिया बाय बैंक अकाउंट 20,000 रुपए 14 जनवरी 2020, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। चलिए फर्दर कैपिटल इन्वेस्टेड बाय चेक, एडिशनल कैपिटल, लेकिन ये इन्वेस्ट किससे की है, चेक से, यानी पैसा कहां जाएगा बैंक में, तो बैंक में पैसा बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, तो 15 जनवरी 2020 पहला अकाउंट बना बैंक, दूसरा है जी कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 50,000 से बैंक को डेबिट किया दोस्तों टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल यहां क्रेडिट हुई 50,000 रुपए से, क्या लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट, और 15 जनवरी 2020 अब आ गया आपका बढ़िया वाला काम, जिसमें हमें क्या करनी है, कुछ ऐसी जर्नल एंट्रीज जहां पर पता लगेगा कि एक की जगह तीन अकाउंट निकल आए, लेकिन वो आता है डिस्काउंट का हिस्सा तब जब मैंने किसी को पेमेंट करनी थी ज्यादा लेकिन कम कर दी, या किसी से लेना था ज्यादा और उससे कम ले लिया, तब आता है डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड का काम। लेकिन अगर गुड्स को खरीदते और बेचते वक्त कोई भी डिस्काउंट लिया या दिया जाए तो ये तो ट्रेड डिस्काउंट है और इसकी कभी भी जर्नल एंट्री पास नहीं होती, नेट एंट्री दिखाते हैं। तो जब भी डिस्काउंट देखेंगे तो हमें ध्यान क्या करना है कि भैया ये ट्रेड डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट है। आइए देखें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, ये लिखा है गुड्स परचेज फॉर कैश 10,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अब देख लो, चाहे साथ में कैश लिख दिया उसने, आपको लग रहा है जी ये तो कैश डिस्काउंट है इसकी तो एंट्री होगी, नो, ये भैया गुड्स को खरीदते और बेचते वक्त यानी ट्रेड करते वक्त कोई डिस्काउंट लिया या दिया जा रहा है, ये ट्रेड डिस्काउंट है, इसकी रिकॉर्डिंग कभी नहीं होगी। तो 10,000 तो उसका अमाउंट था, माइनस 10% ऑफ 10,000, ठीक है जी, यानी 10,000 माइनस 1,000, बैलेंस कितना बचा 9,000, तो जो जर्नल एंट्री पास होगी वो 9,000 से पास होगी। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू यू? और ये बड़ी सिंपल सी वही एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश परचेज ही है ये, लेकिन ये जो ट्रेड डिस्काउंट की कैलकुलेशन थी ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ध्यान रखना था कि ये तो ट्रेड डिस्काउंट है भाई, 10,000 माइनस 9,000, डायरेक्टली 9,000 का माल लिया, तो जर्नल एंट्री भी केवल 9,000 की ही होनी है, राइट? अब ये कुछ जर्नल एंट्रीज फटाफट से निपटा लेते हैं, उसके बाद हम पहुंचेंगे अपने लेजर पर भी। गुड्स सोल्ड टू रवि फॉर कैश 20,000 एट अ कैश डिस्काउंट ऑफ 10%। मैं फिर बोल देता हूं ये कैश डिस्काउंट नहीं है,
ये ना भी लिखा होता तो भी ये ट्रेड मानते हैं, लिखा है तो भी इसे ट्रेड डिस्काउंट मानेंगे. वाई? बिकॉज दिस इज बीइंग गिवन और रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ सेल और परचेज. तो भाई क्या करें, ये तो फिर वही कहानी आ गई, 20,000 में से माइनस 10% ऑफ 20,000 किया, यानी 20,000 माइनस 2,000, जो ये 18,000 रुपए का बैलेंस आया, ये है जर्नल एंट्री का अमाउंट. जो ये 2,000 है ये ट्रेड डिस्काउंट है, इसे कभी रिकॉर्ड नहीं किया जाता. अच्छा, ये भी कैश सेल है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. अमाउंट आ गया 18,000. अच्छा, इसमें दो ही अकाउंट बनने, कैश और सेल्स, जैसे अभी आप पीछे करते आए हो वैसे ही हो रहा है. अगर मैं कहूं इसी की जर्नल एंट्री पास करनी है तो क्या करोगे भाई? मैं कह देता हूं जी, कैश और सेल्स. ये आ गया कैश, ये आ गया सेल्स. तो जर्नल एंट्री क्या बनाई थी आपने? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. 18,000 से केवल वही 18,000 जाएगा. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 18,000. सेल्स को हमने किया है क्रेडिट, कितने से? 18,000 से ही. और रीजन लिखेंगे बाय कैश अकाउंट. इज दैट सो और नॉट? ये हो गया काम मेरे भाई. लेकिन अब थोड़ा सा नया केस आ गया आपके सामने. लिखा है कि हमने 4,500 रिसीव किए फुल सेटलमेंट में. कितने रुपए की फुल सेटलमेंट? 5,000 की जगह 4,500 लेकर के पूरा का पूरा केस निपटा दिया. किससे? विजय से. ओहो, इसका मतलब हमने विजय से पैसा लेना होगा पहले. विजय जरूर हमारा डेटर रहा होगा, बोलो हाँ या ना? यस. और हमने उससे जब पैसे की डिमांड की, वो कहता जी पैसे तो दे दूंगा लेकिन कुछ डिस्काउंट दोगे? हमने कहा भैया अगर तुम आज पेमेंट करते हो तो 500 रुपए छोड़ दिए. बोलो, फुल सेटलमेंट 4,500 में पूरे 5,000 का अकाउंट खत्म. उसके लिए भी फायदे की बात है, उसके लिए भी फायदे की बात है. अब हम कहेंगे ठीक है भैया लाओ, जो देना दे दो. तो हमें मिला कैश, क्या 5,000 मिला? बिल्कुल नहीं. 5,000 की जगह मिला 4,500, तो कैश तो बढ़ गया 4,500 और वो 500 रुपए कहां गए भाई? वो हमने उसे डिस्काउंट अलाउ कर दिया कि जा जी ले अपनी जिंदगी और अपना खर्चा मान लिया. एक्सपेंस है भाई, हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं. आप इसे लॉस नहीं कहेंगे, लॉस हो जाते हैं और एक्सपेंस हम अपनी मर्जी से करते हैं. हमने डिस्काउंट अपनी मर्जी से दिया है ताकि पैसा जल्दी मिल जाए, तो डिस्काउंट अलाउड भी हमें डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि हमारा ये एक्सपेंस है दोस्तों. और विजय कौन है? जैसे मैंने बताया उससे हमने पैसा लेना था, वो डेटर था हमारा, एसेट था. अब तो उसने पैसा दे दिया, 500 वाली सेटलमेंट भी हो गई, यानी वो डेटर घट गए, एसेट घट गए. विजय के नाम के डेटर, विजय के नाम के एसेट घट गए. अगर वो घट गए तो भैया एसेट घटने पर क्रेडिट होते हैं, तो लिखा जाएगा टू विजय. पहले हमने विजय को डेबिट किया हुआ था क्योंकि उससे पैसा लेना था, वो डेटर था हमारा, एसेट था हमारा. अब तो पैसा आ गया भाई, तो 5,000 रुपए में, 5,000 रुपए की सेटलमेंट 4,500 में कर ली हमने, राइट. अब ये तीन अकाउंट निकल के आए, अब इसकी लेजर पोस्टिंग देखनी है दोस्तों, यही हमारा इंपॉर्टेंट काम है यहां पर. तीन अकाउंट कौन कौन से? पहला है कैश अकाउंट, दूसरा है डिस्काउंट अलाउड, तीसरा है विजय का अकाउंट. तो पहले एक एक करके इन्हीं को बनाते हैं. कैश अकाउंट, दूसरा है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, और तीसरा है विजय डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट. अब
ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बस एक बार ये सीख लिया तो फिर तो लेजर की पोस्टिंग का मेजर काम खत्म हो गया, लेवल वन का काम खत्म। अब कैश हमारा डेबिट हुआ है, कैश हमारा डेबिट हुआ है कितने रुपए से, 4,500 से, ठीक है जी। तो कैश की डेबिट में जाएंगे और 4,500 लिख देंगे, बोलो हाँ या ना। कैश कितने से डेबिट हुआ भाई, 4,500 से डेबिट कर दिया, और उसके डेबिट होने का जो कारण है वो उसकी ऑपोजिट साइड में लिखा है। कैश डेबिट है, डिस्काउंट भी डेबिट है, इसकी ऑपोजिट साइड क्या है, ऑपोजिट साइड है विजय, क्रेडिट। और विजय में दो चीजें मौजूद हैं, 4,500 कैश वाली और 500 रुपए डिस्काउंट वाली अमाउंट, ये दो आइटम्स मौजूद है। तो कैश डेबिट हुआ किसके कारण, विजय के कारण। डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट किसके कारण हुआ, विजय के कारण ही तो हुआ है, क्योंकि इन दोनों के ऑपोजिट में ही तो रीजन लिखा हुआ है। कैश हुआ 4,500 से डेबिट, हमने 4,500 यहां लिख दिया, कारण क्या है, विजय, विजय के कारण हुआ वो। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड भी तो डेबिट हुआ 500 रुपए से। अब डिस्काउंट अलाउड के भी डेबिट में जाएंगे हम यहां पर, और कितने से डेबिट हुआ है डिस्काउंट, 500 रुपए से, 500 रुपए लिखा है उसके आगे, और ये भी 500 रुपए से डेबिट हुआ मगर किसके कारण, ऑपोजिट साइड में लिखा है ना, क्रेडिट में, विजय। तो लिख दिया टू विजय, वेरी वेरी सिंपल, यही चीज आपने ध्यान रखनी है। अच्छा, बच्चे कोई भी स्टूडेंट जो हो वो गलतियां कहां करते हैं, इसमें गलती होने के चांस कहां है। अमाउंट जो होता है ना, आपको ये ध्यान देना होता है कि अगर कैश डेबिट 4,500 से हुआ है तो मुझे यहां 4,500 ही लिखना है। उसी तरह से अगर ये डिस्काउंट अलाउड 500 से डेबिट हुआ है भाई तो मुझे यहां 500 ही लिखना है, ऑपोजिट वाला रीजन लिख दिया मैंने उठा के। अब आती है बात अगले पॉइंट की, जहां पर मैंने विजय को क्रेडिट किया है कितने रुपए से, 5,000 रुपए से। लेकिन उस 5,000 में दो रीजन है, रीजन नंबर वन कैश, रीजन नंबर टू डिस्काउंट अलाउड। तो उसे भी मैं विजय के अकाउंट में दो हिस्सों में ही लिखूंगा। भैया विजय क्रेडिट हुआ, जाहिर सी बात है क्रेडिट हुआ, टोटल 5,000 से क्रेडिट हुआ, ठीक हुआ जी। लेकिन उसमें दो हिस्से थे, 4,500 हुआ किसके कारण, अब कारण लिख रहे हैं, उसका कारण क्या है, ऑपोजिट में, विजय के क्रेडिट होने का कारण उसकी ऑपोजिट साइड यानी डेबिट में लिखा हुआ है, कैश और डिस्काउंट। तो विजय क्रेडिट हुआ कैश के कारण कितने रुपए से, 4,500 रुपए से, और 500 रुपए से वो क्रेडिट हुआ किसके कारण, बाय डिस्काउंट अलाउड के कारण। ये दोस्तों अगर आपने अच्छी तरह पढ़ लिया तो फिर गलती होने के चांसेस हो गए लगभग खत्म। जो तरीका मैंने आपको बताया इसको फॉलो करिए, कभी गलती नहीं होगी, राइट। अब जैसे वो पैसा हमने रिसीव किया था बिल्कुल उसी तरह से अब हम पेमेंट करने जा रहे हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल भी है। लिखा जी पेड रुपीज 9,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 10,000 टू अजय, अजय को मैंने 10,000 की जगह 9,000 पे कर दिया। पेमेंट की बारी आई होगी, उसने कहा भाई साहब जल्दी पेमेंट कर दो तो मैं आपको ना डिस्काउंट दूंगा। हम कहेंगे लाओ जी लाओ, बताओ कितना डिस्काउंट दोगे। उसने कहा जी 10% का, 10,000 की जगह 9,000 दे दो, पूरा का पूरा अकाउंट सेटल। हमने कहा लो जी फटाफट पकड़ो 9,000 रुपए और अकाउंट कर दिया सेटल। हमारी लायबिलिटी बनती थी दोस्तों अजय की तरफ, अजय हमारा क्रेडिटर था तभी तो हमने उसे पैसा देना था। अब आज मैंने क्रेडिटर को पैसा दे दिया, मेरी लायबिलिटी जो है अब क्रेडिटर की तरफ घट गई, और लायबिलिटी जब घटती है तो उसे क्या किया जाता है, डेबिट। तो मैं सबसे पहले तो अजय को डेबिट कर दूंगा। मेरी लायबिलिटी बनती थी 10,000 की, पूरे के पूरे 10,000 की लायबिलिटी घट गई, और उसके लिए मुझे पे कितना करना पड़ा, कैश कितना देना पड़ा, केवल 9,000, यानी मेरी जेब से कैश चला गया, एसेट चला गया, एसेट घट गया, क्रेडिट कर दिया मैंने कैश को, कितना गया लेकिन मेरे भाई, 9,000। 1,000 का क्या हुआ भाई, 1,000 तो मुझे देना ही नहीं पड़ा,
मेरी इनकम हो गई, वो डिस्काउंट मिल गया मुझे, मेरी इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ते ही क्रेडिट हो जाती है, तो इसीलिए उसको क्रेडिट कर दिया टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो ये रही आपकी जर्नल एंट्री, अजय डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब आ रही है, आती है इसके लेजर पोस्टिंग की। अजय डेबिट हुआ 10,000 से, उसका कारण, डेबिट होने का कारण उसकी ऑपोजिट साइड में लिखा है दोस्तों, दो कारण है। अजय जो डेबिट हुआ 9,000 तो हुआ कैश के कारण, और 1,000 डेबिट हुआ वो डिस्काउंट रिसीव्ड के कारण। तो आइए सबसे पहले अजय कैश और डिस्काउंट रिसीव्ड इनके अकाउंट बना लें, अजय का अकाउंट, फिर कैश अकाउंट, फिर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, सभी के डेबिट और क्रेडिट भी लिख लो। दोबारा से देख लेते हैं कि भाई अजय डेबिट हुआ है, कारण उसके हैं दो, अजय डेबिट हुआ दो कारणों से, तो अजय की डेबिट में जाके उन दोनों कारणों को लिख दो, एक तो कैश के कारण हुआ वो, एक डिस्काउंट रिसीव्ड के कारण हुआ। 9,000 रुपए कैश के कारण डेबिट हुआ, 1,000 रुपए डिस्काउंट रिसीव्ड के कारण डेबिट हुआ, इज दैट सो और नॉट? ऑपोजिट रीजन ये देखो सामने लिखे थे। अब यहां पर हमने कैश को और डिस्काउंट रिसीव्ड को तो क्रेडिट किया है, आइए उन दोनों की क्रेडिट में चले, उनका रीजन सेम है। आ जाए कैश को मैंने क्रेडिट कितने रुपए से किया, जाके देखो जरा, कैश को किया मैंने 9,000 से क्रेडिट, कैश को क्रेडिट हमने किया है 9,000 से, तो कैश के क्रेडिट में जाके 9,000 ही लिखेंगे। और उसका कारण क्या है, अजय बाय अजय। डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000 से क्रेडिट हुआ था, उसका कारण क्या है दोस्तों, अजय। एज सिंपल एज दिस, हो गई आपकी लेजर पोस्टिंग, हो गया काम खत्म। इज दैट सो इजी और नॉट? यस। तो आपने यहां तक वाह बिल्कुल सारा का सारा काम सीख लिया कि लेजर बनाते क्यों हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर किस तरह से उसकी पोस्टिंग होती है। हमने जर्नल एंट्रीज भी बीच में दोबारा से रिवाइज भी कर ली, और हमने दो तरीके की पोस्टिंग सीख ली कि अगर तो सिंपल एंट्री है तो, और अगर कंपाउंड एंट्री है या कंबाइंड एंट्री है तब कैसे होगी। तो जो एंट्री जिसमें एक से दो से ज्यादा अकाउंट नजर आए, डेबिट में एक और क्रेडिट में एक तो होता ही है सिंपल में, अगर उससे ज्यादा अकाउंट हो जाए तो ये एंट्रीज कहलाती हैं कंपाउंड एंट्रीज, या कहते हैं इन्हें कंबाइंड एंट्रीज। और हमने सिंपल और कंपाउंड दोनों एंट्रीज का लेजर पोस्टिंग का तरीका सीख लिया यहां तक। इज दैट सिंपल और नॉट? तो अब और कौन कौन सी कंपाउंड एंट्रीज आपके सामने आ सकती हैं, आइए देखें। एक जनरल एंट्री में लिख दिया जी पेड रुपीज 2,000 फॉर सैलरी एंड 10,000 फॉर रेंट इन कैश। ये एक ही जनरल एंट्री है दोस्तों, तो आप इसे कैसे लिखेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट कितने से? 2,000। फिर रेंट अकाउंट डेबिट, खर्चा ये भी डेबिट होगा, 10,000 रुपए। टू गया क्या मेरे भाई? कैश अकाउंट 12,000। एज सिंपल एज दिस, वेरी वेरी सिंपल। सो सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट। अब हमारे पास सैलरी अकाउंट और कौन सा बनाना है? रेंट अकाउंट, और बनाना है कैश अकाउंट। ये तीन अकाउंट दोस्तों हमें बनाने हैं। इज दैट सो और नॉट? सैलरी भी डेबिट हुआ कितने से? 2,000 से। रेंट भी डेबिट हुआ कितने से? 10,000 से। ये दोनों ही डेबिट हुए, और इसका कारण क्या लिखा है? ऑपोजिट साइड में। कारण क्या लिखा है? ऑपोजिट साइड में। तो ठीक है, सैलरी डेबिट हुई 2,000 से, रीजन क्या है? कैश अकाउंट।
लिख दिया कैश अकाउंट। रेंट भी डेबिट हुआ कितने से? 10,000 से। रीजन क्या है? कैश अकाउंट। और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है दोस्तों, इसका रीजन कहां लिखा है? ऑपोजिट साइड में दो रीजन लिखे हैं, सैलरी और रेंट। यानी इस 12,000 में, 12,000 के इस कैश में दो हिस्से हैं, 10,000 प्लस 2,000। तो कैश के जब मैं क्रेडिट में जाऊंगा तो मुझे वो दोनों बातें लिखनी पड़ेंगी। 2,000 रुपए के अमाउंट था सैलरी के कारण, 10,000 का क्रेडिट हुआ किसके कारण? रेंट अकाउंट के कारण। बोलो हाँ या ना? तो मैंने कैश के क्रेडिट में जाकर के दोनों रीजन लिख डाले, दोनों के अलग अलग अमाउंट्स हैं, वो अलग अलग अमाउंट्स भी लिख डाले। तो मेरे भाई ये काम भी यहां होता है फिनिश। अब सवाल ये आता है कि अगर अभी तो आपके पास एक एक आ रही थी, एक क्वेश्चन में एक एंट्री, अगर एक से ज्यादा आ जाएंगी भैया तो क्या करोगे? क्या बार बार अकाउंट बनाने पड़ेंगे? अरे भैया एक बार कैश अकाउंट अगर बन गया तो उसी में सारी कैश की एंट्रीज आनी है, एक बार मशीनरी अकाउंट बन गया तो सारी एंट्री उसी में आनी है। और अब हम वो पॉइंट सीखने वाले हैं। अभी तक हमने क्या सीखा है? केवल कि किस तरीके से पोस्टिंग चल रही है, सिंगल या सिंपल जर्नल एंट्री की और दूसरा कंपाउंड की, ये काम हमने सीख लिया। अब मान लो ये 4-5 एंट्रीज आ गई हैं, बताओ कैसे करोगे? ठीक है भैया, सबसे पहले तो जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं। और मान लो ईयर जो भी दिया हुआ है, 2020 या व्हाटएवर, यहां तो कुछ दिया ही नहीं हुआ। January 1, परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश ₹1,00,000। ठीक है जी, आइए जर्नल एंट्रीज पास करें। मशीनरी अकाउंट डेबिट ₹1,00,000, चला क्या गया? कैश। नरेशन अपने आप लिख लीजिएगा, बीइंग मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश। प्रैक्टिस उसकी भी करनी पड़ेगी दोस्तों, नहीं तो एग्जाम में आप स्पीड नहीं बना पाएंगे। अगली एंट्री March 1 की, मशीनरी सोल्ड फॉर कैश। कैश आ गया, मशीन चली गई, एसेट आ रहा है एक, कौन सा? कैश। दूसरा एसेट जा रहा है मशीनरी अकाउंट। तो कैश आ गया 30,000 और मशीनरी चली गई 30,000 की, दो जनरल एंट्री हो गई भैया हमारी। बीइंग मशीनरी सोल्ड फॉर कैश, ये हो गई इसकी नरेशन। देन परचेज मशीनरी एंड पेड बाय चेक, इसका मतलब पेमेंट बैंक से जा रही है 20,000 की। आइए लिखें, फर्स्ट मे की एंट्री, मे 1 मशीनरी परचेज दो की, यहां पर मशीनरी अकाउंट डेबिट, लेकिन पेमेंट किससे किया है? 20,000 की मशीन तो आ गई, एसेट बढ़ गया, और 20,000 का जो एसेट घटा है वो बैंक से गया। क्यों? क्योंकि हमने पेमेंट चेक से की है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगली एंट्री क्या है दोस्तों? मशीनरी परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम XYZ। XYZ कौन होगा यहां पर? हमने उधार पर मशीन परचेज करी, XYZ कंपनी का नाम होगा। ₹25,000 की मशीनरी यहां पर भी आ गई, लेकिन पैसा नहीं गया, ना कैश दिया ना चेक दिया, उधार पर खरीदी है ये। तो यानी ये XYZ हमारे क्रेडिटर्स बन गए फॉर मशीनरी, लायबिलिटी बढ़ गई, एसेट भी आया लेकिन लायबिलिटी भी बढ़ गई। तो 25,000 की मशीनरी हमने और परचेज की, मशीन अकाउंट डेबिट टू XYZ। ठीक है जी, अमाउंट है कितना? ₹25,000। और मेरे ख्याल से ये अगस्त का महीना था, तो आइए August 1। लास्ट एंट्री में लिखा है डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी 1 नवंबर। डेट तो भैया वैसे लास्ट होनी चाहिए, तो क्यों ना इसे 31 दिसंबर कर लें। कैलेंडर ईयर चल रहा है 1 जनवरी से लेके, लास्ट डे पर डेप्रिसिएशन डालेंगे। ठीक है, और उसके बाद एक और भी एंट्री होती है पीएनएल की, बट फिलहाल मैं उसकी बात नहीं करूंगा।
वो हम बाद में सीखेंगे, फिलहाल तो खाली डेप्रिसिएशन अगर चार्ज किया तो उसकी एंट्री क्या होगी। मशीन पर लगा है दोस्तों ये डेप्रिसिएशन, मशीन की वैल्यू को घटा दिया इसने और डेप्रिसिएशन तो लॉस है, लॉसेस को कर देंगे डेबिट। 31 दिसंबर लिख दिया मैंने, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये लॉस है इसलिए डेबिट हुआ। इसने मशीन की वैल्यू को घटा दिया, एसेट की वैल्यू घट गई इसीलिए उसे कर दिया क्रेडिट। अमाउंट कितना है? 10,000 रुपए। अब मेरे भाई हमारे लिए बहुत जरूरी आ जाता है कि हम अब इन सभी को एक लेजर में लेकर के जाएं। अच्छा, अब आप ये जरा ध्यान से देखो, एक तो बनना है मशीन अकाउंट, दूसरा बनना है कैश अकाउंट। दूसरी एंट्री में भी कैश और मशीन ही है, ये अकाउंट तो हम बना चुके होंगे। फिर मशीन अकाउंट बना हुआ है ऑलरेडी, बैंक अकाउंट, यस तीसरा अकाउंट बनाना पड़ेगा बैंक अकाउंट। फिर मशीन अकाउंट तो ऑलरेडी बना ही हुआ है, एक्स वाई जेड का एक और बनाना पड़ेगा। फिर डेप्रिसिएशन एक और बनाना पड़ेगा, मशीन का तो ऑलरेडी बना हुआ है। यानी जो यूनिक नेम्स होंगे, एक बार अकाउंट बन गया तो बस दोबारा दोबारा नहीं बनना। तो इसका मतलब अब मुझे अगर लेजर बनाना है तो मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले एक तो चाहिए दोस्तों मशीनरी अकाउंट, दूसरा मुझे चाहिए कैश अकाउंट, तीसरा चाहिए मुझे बैंक अकाउंट, चौथा चाहिए एक्स वाई जेड अकाउंट, और फिर था एक डेप्रिसिएशन का अकाउंट। डेबिट क्रेडिट ये लिखना मत भूलेगा, इसके मार्क्स कट जाते हैं, नहीं लिखोगे तो कट जाएंगे मार्क्स। इज दैट वेरी क्लियर और नॉट? तो मशीन सबसे पहले मैंने क्या की दोस्तों, हर एंट्री में मशीन है। पहली मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,00,000, तो मशीन को किया मैंने डेबिट। मशीन के डेबिट में जाकर के मैंने लिख दिया टू कैश अकाउंट, कितना रुपया? 1,00,000। और कैश को किया था क्रेडिट, तो अब मैं कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाके लिखूंगा क्या? ऑपोजिट, बाय मशीनरी अकाउंट। अब तक तो ये समझ में आ गया होगा, पहली जर्नल एंट्री कंप्लीट। अब सुन लीजिए वो पॉइंट जहां पर बच्चे गलती कर देते हैं। अब जैसे जैसे हम ये पोस्टिंग करेंगे ना, लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण लोग लिख लिख के तो देखते नहीं, बस ये समझ में आ गया ठीक है जी कर लेंगे, सीधा एग्जाम में करेंगे। अब उस कारण से होता क्या, कहीं डेबिट में लिख दिया क्रेडिट में छोड़ दिया, कहीं क्रेडिट में लिख दिया तो डेबिट में छोड़ दिया, और एंड में लेजर के बैलेंसेज निकलेंगे गलत और आंसर होगा गलत। That is just because of lack of practice. Ledger जितना आसान है ना, ये उतने ही कई गुना practice मांगता है दोस्तों, क्योंकि इसमें दो चीजों की कमी है। लोगों में practice ना होने के कारण वो speed नहीं बना पाएंगे, paper छूट जाएगा। Number दो, वो एक जगह entry कर देंगे दूसरी जगह लिखना भूल जाएंगे, और ये तभी आपकी बढ़िया practice होगी जब आप बार बार लिख लिख के देखेंगे। कम से कम ऐसे 50-60 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे आपको, जिस हर एक क्वेश्चन में 8 से 10 एंट्रीज हो और बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, तब जाके आप समझेगा कि आपकी करेक्ट प्रैक्टिस हो गई। फिलहाल फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी हो गई, दूसरी एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन, क्या अमाउंट था भाई साहब? 30,000 रुपए। कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन, कैश को किया डेबिट, तो कैश के डेबिट में जाके मैं लिख रहा हूं टू मशीन अकाउंट 30,000 रुपीज, और मशीन को किया था क्रेडिट, तो मैं मशीन के क्रेडिट में जाके लिखूंगा बाय मशीनरी अकाउंट 30,000 रुपीज। अब इस पूरे चक्कर में डेट लिखनी तो भूल ही गए, ऐसे ही गलतियां हो जाएंगी आपसे। मैंने जानबूझकर नहीं लिखी, मैंने जानबूझकर इसलिए लिखी कि आपको याद आए कि अरे भाई हम तो सिर्फ और सिर्फ इसी में बिजी रह गए कि डेबिट में कहां लिखूं और क्रेडिट में कहां लिखूं, पता लगा डेट लिखनी भूल गए। अब बाद में ढूंढोगे
तो हो जाएगी मुश्किल। सो याद रखना पड़ेगा जनवरी 1 एंड मार्च 1। सो ये है फर्स्ट जनवरी, ये भी थी फर्स्ट जनवरी, ये है फर्स्ट मार्च, फर्स्ट मार्च। अब अगली जर्नल एंट्री, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट मई 1 20,000 रुपए। तीनों बातें आपको याद रखनी है। मई 1 20,000 रुपए की एंट्री है, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। याद ना हो तो दोबारा देख लीजिएगा, गलती मत करिएगा। मशीन को डेबिट किया, मशीन खरीदी है भाई, 1 मई को टू बैंक अकाउंट 20,000 रुपए, और बैंक को कर दिया है क्रेडिट। तो बैंक के क्रेडिट में जाकर के रीजन क्या लिखूंगा, बाय मशीनरी अकाउंट 20,000 रुपए 1 मई। हो गया काम यहां तक, कोई एंट्री छूटी नहीं। अगली है मशीन अकाउंट डेबिट टू एक्स वाई जेड। अकाउंट तो हमने एक्स वाई जेड का ही बना लिया था। अच्छा, ये जरूरी नहीं होता कि आप पहले ही सारे अकाउंट बना लें, एक एक कंट्री जैसे आती रहे वैसे वैसे अकाउंट बनाते रहिए, क्योंकि इसमें कम थे ना, इसीलिए मैंने आपको समझाने के लिए एक एक करके फिलहाल पहले ही बना दिए। सो अब जर्नल एंट्री क्या है, मशीन अकाउंट डेबिट टू एक्स वाई जेड, अगस्त 1 की एंट्री है 25,000 की। तो 1 अगस्त के दिन, 1 अगस्त टू एक्स वाई जेड, उधार पे परचेज की है ये 25,000 रुपए की मशीन। अब एक्स वाई जेड में भी तो एंट्री करनी पड़ेगी मेरे भाई, वो भी तो हमारा क्रेडिटर है, लायबिलिटी बढ़ गई, यानी क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट में आती है। ये हमारा कौन है, क्रेडिटर फॉर मशीनरी, तो इसके तो इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, और ये बढ़ गया 25,000 से लायबिलिटी बढ़ गई। क्यों बढ़ी, रीजन मशीन परचेज की थी जी, कब परचेज की थी, 1 अगस्त को। चलिए आगे, अब बची एंट्री हमारी 31 दिसंबर की, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन 10,000। अब पहले किसको डेबिट किया हुआ है मेरे भाई, डेप्रिसिएशन को, तो चलो डेप्रिसिएशन अकाउंट में जो पहले डेबिट किया हुआ एंट्री पहले वहां होगी। क्या बात कही मैंने, अगर डेप्रिसिएशन को डेबिट किया तो पहले जाओ और डेप्रिसिएशन अकाउंट में एंट्री करो, फिर क्रेडिट में जाना है। तो डेप्रिसिएशन को डेबिट किया है तो डेबिट में जाकर के टू मशीनरी अकाउंट, अमाउंट कितना 10,000 रुपए 31/12। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन था, इसका मतलब मुझे मशीन अकाउंट में जाना है, मशीन को क्रेडिट किया हुआ है, उसके क्रेडिट में जाकर के डेट लिखेंगे पहले, अमाउंट 10,000 है, किसके कारण ये कम हुई मशीन, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने इस पर्टिकुलर पोर्शन को अच्छी तरह सीख लिया, जैसे जैसे मैंने स्टेप्स लिए आपने वैसे वैसे कर लिए, आपकी गलती नहीं होगी। जी हां, मैं दावे के साथ बोलता हूं कि आपने अगर इन पूरे के पूरे प्रोसेसेस को फॉलो किया, आपकी गलती नहीं होगी। सो अब इसी तरह से फर्स्ट पार्ट का तो हमारा यहां पर काम खत्म हो जाता है। इस पूरे के पूरे इस लेक्चर में हमने क्या लेजर होता है, क्यों उसकी जरूरत होती है, हमने टी शेप अकाउंट के बेसिस पर, फिर प्रोफॉर्मा के बेसिस पर सीखा, पोस्टिंग सीखी, उस पोस्टिंग में भी हमने सबसे पहले सिंपल एंट्रीज, फिर कंपाउंड एंट्रीज कर ली, उनको करने के बाद हमने एक कलेक्टिव क्वेश्चन किया जिसमें ज्यादा एंट्रीज थी, और ध्यान रखना था कि यूनिक अकाउंट ही बनाने थे हमने, ठीक है, बार बार दो दो बार उन अकाउंट को बनाने की जरूरत नहीं है, एक अकाउंट मशीन बन गया, सारी एंट्री उसी में जाएंगी। फिर जो पहले डेबिट में लिखा है पहले वहीं जाना है, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो पहले जाके मशीन में एंट्री करो फिर कैश में, डेट्स नहीं भूलनी, अमाउंट्स नहीं भूलने, गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की, एक अकाउंट में कर दिया दूसरे में नहीं किया, यह गलती नहीं होनी चाहिए।
डेबिट क्रेडिट लिखना ही पड़ेगा, अमाउंट करेक्टली लिखने हैं, ये सारी की सारी सावधानियां दोस्तों आपको बरतनी पड़ेंगी। हमारा लेजर का जो पहला पार्ट था ना, पहला पड़ाव यहां पर होता है खत्म। अगले सेशन में बातें तो लेजर की ही होंगी, लेकिन लेजर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, अभी इसकी बैलेंसिंग बाकी है, राइट। और भी बहुत सारी बातें बाकी हैं, वो करेंगे दोस्तों हम अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार, और इसकी प्रैक्टिस करनी बेहद जरूरी है दोस्तों। हम मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।